हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं हूँ अमेजिंग एंटीक से। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही प्यारा कलेक्शन दिखाने जा रहे हैं। आप ये कलेक्शन शुरू से लेकर आखिर तक देखिए, इसमें बहुत प्यारे प्यारे कॉइन्स हैं। दोस्तों, इसमें 80 टाइप्स ऑफ स्पेशल डिफरेंट कॉइन्स हैं, और स्पेशल इन द सेंस कि दोस्तों, उसमें हर कॉइन में कुछ स्पेशल बात होगी। दोस्तों, आपको पता ही है कि कॉइन्स जब बिकते हैं मार्केट में, या तो लो मिंटेज की वजह से बिकते हैं कि जो कॉइन लो मिंटेज होगी उसकी उसी हिसाब से रेट तय होता है, या फिर अगर आपके पास कॉइन्स लो मिंटेज के नहीं हैं तो आपका कॉइन तभी बिकेगा जब उसमें कुछ स्पेशल बात होगी। खरीदार जो है आपसे मालूम करेगा कि इसमें स्पेशल क्या चीज है। एरर है, डाई शिफ्टिंग एरर है, म्यूल कॉइन है, इसमें स्पेशल ऐसी क्या चीज है जो ये खरीदा जाए। तो दोस्तों, ये लो मिंटेज कॉइन्स नहीं है, लेकिन ये 80 स्पेशल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स हैं, और तरह तरह के एरर कॉइन्स हैं, म्यूल कॉइन्स है, डाई वेराइटी कॉइन्स हैं, और दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स हैं, और हमने इसमें हर तरह के कॉइन्स रखने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों, बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक, और दोस्तों हम इसमें सेल भी करेंगे और आपको नॉलेज भी मिलेगी। आप इसको देखेंगे, अगर नहीं खरीदना चाहते कोई बात नहीं, वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, बहुत नॉलेजेबल वीडियो है। और अगर खरीदना चाहेंगे तो हम आपको पर कॉइन जो है 150 रुपीज पर कॉइन, यानी कि 150 रुपये का एक कॉइन, या 150 रुपए का एक सेट आपको देंगे। तो उसमें से आपको हम शुरू से दिखाएंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कॉइन्स खरीदने हैं तो शुरू से लेके आखिर तक बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि जो कॉइन आपको चाहिए और जो भी कॉइन आपको पसंद हो उसकी डिटेल लिख के हमें भेज दें, हम आपको वो कॉइन भेज देंगे। तो दोस्तों, ये एक सेल की तरह है, समझ लीजिए सेल लगी हुई है, और इसमें हमने एक ही दाम रखा है, यानी कि एक ही प्राइस है, 150 रुपीज ओनली पर कॉइन। यानी कि अगर आप एक कॉइन भी लेंगे तो ये 150 रुपीज का मिलेगा, या फिर आप एक सेट भी लेंगे दोस्तों, ये भी 150 का आपको एक पड़ेगा। तो इसमें आपको 150 के हिसाब से, पर पीस के हिसाब से खरीदारी करनी होगी। और दोस्तों, आपके लिए हम बहुत ही आसान कर रहे हैं, आप इसमें 80 कॉइन्स हैं ये, आप इसमें एक कॉइन से लेकर 5 कॉइन्स, 10 कॉइन्स, 20 कॉइन्स, 50 कॉइन्स, जो भी कॉइन आपको पसंद हैं आप उतने मंगा सकते हैं। 150 ईच के हिसाब से, 150 रुपये एक कॉइन के हिसाब से आप कोई सा भी कॉइन मंगा सकते हैं, एक कॉइन भी मंगा सकते हैं, दो भी, 10 भी, और सभी कॉइन्स भी मंगा सकते हैं। और दोस्तों, आपको जो है इसका कोरियर चार्जेस अलग से देना होगा, कोरियर चार्जेस आप ही देंगे। अगर आप एक कॉइन मंगाते हैं तो उसके 50 रुपीज के हिसाब से कोरियर चार्जेस लगेंगे। अगर आप 5 कॉइन्स मंगाते हैं, 10 कॉइन्स मंगाते हैं, 20 कॉइन्स मंगाते हैं, तब भी आपको 50 रुपीज टोटल अलग से, सिर्फ 50 रुपीज कोरियर चार्जेस देने होंगे, यानी कि 50 रुपये आपकी खरीदारी पर कोरियर चार्जेस के लगेंगे, चाहे वो आप एक कॉइन खरीदें या 10 खरीदें या सब खरीदें। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये सेल की तरह है, और ये बहुत ही सुनहरा मौका है आपको इतने कम दाम में, इतने महंगे महंगे कॉइन्स इसमें हैं दोस्तों, 1000, 2000, 3000 तक के बिकते हैं। और म्यूल कॉइन्स, फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स, डाई वेराइटी कॉइन्स, लॉयन डाई वेराइटी कॉइन्स बहुत महंगे महंगे बिकते हैं, लेकिन हमने ये सेल लगाई है, इसका मौके का फायदा उठाएं। और आइए देखना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए और आप पसंद कीजिए आपको कौन कौन से कॉइन्स मंगाने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, 5 रुपी कॉइन है ये, एक्स्ट्रा मेटल फिल्ड इन द डेट, यानी कि आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये जो डेट है 1998, इसके अंदर एक्स्ट्रा मेटल 998 में एक्स्ट्रा मेटल जो है वो भरा हुआ है। ये देखिए, डाई चिप कह सकते हैं, ये देखिए, ये 1998 में ये गोल गोल जो है इसमें 1 2 3 4 डाई चिप्स हैं ये, या एक्स्ट्रा मेटल है इसके अंदर, डेट के अंदर भरा हुआ है, बहुत प्यारा एरर है। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं।
10 पैसे कॉइन्स एल्यूमिनियम का, सनबर्स्ट एरर कॉइन्स। ये देखिए, ये सनबर्स्ट एरर कॉइन है और बहुत खूबसूरत कॉइन है, और इसके आगे और पीछे ये देखिए दोनों तरफ जो हैं सन की रेज जो होती हैं उस तरह का कॉइन है। तो देखिए कितना खूबसूरत कॉइन है, सनबर्स्ट एरर कहलाता है ये, 10 रुपी का एल्युमिनियम का कॉइन है। आइए आगे बढ़ते हैं, डॉट लैंड एरर कॉइन, ये 2 रुपीज का कॉइन है। इसमें ओबर्स और रिवर्स में डॉट लैंड एरर है। ये देखिए बंजर भूमि की तरह से ये कॉइन है, देखिए कितना प्यारा है। और इसके पीछे भी देखिए इसी तरह से डॉट लैंड एरर कहलाता है। तो ये भी 150 का लगेगा। जो भी आपको कॉइन कॉइन चाहिए आप नोट करते रहिए, 150 पर पीस के हिसाब से आपको कॉइन लगेगा, और 50 रुपीज अलग से आपको सिर्फ आपके कॉइन के कोरियर के देने होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, 5 रुपीज का बहुत ही प्यारा डाई कैप एरर कॉइन। ये डाई कैप एरर कॉइन ये देखिए, इसमें जो है ना ये कॉइन जो है इसकी जो चारों तरफ से जो रिम होती है ये ऊपर उठ जाती है और कॉइन का सरफेस नीचे चला जाता है, तो एक बोतल की कैप की तरह बन जाता है ये। तो ये बहुत प्यारा कॉइन होता है और बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो ये ऑफवर्स में और रिवर्स में दोनों तरफ से डाई कैप एरर कॉइन है। ये देखिए ऑफवर्स में भी और रिवर्स में भी डाई कैप एरर कॉइन है ये, तो बहुत ही प्यारा एरर है 5 रुपीज के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं, रेनबो टोन कॉइन। ये देखिए 2 रुपीज के ऊपर रेनबो टोन है और बहुत ही खूबसूरत टोनिंग होती है इसके ऊपर, रेनबो टोनिंग। तो ये देखिए रेनबो टोन एरर कॉइन 2 रुपीज के ऊपर। और आगे बढ़ते हैं, आपको एक और 20 पैसे के ऊपर दिखाते हैं, सनबर्स्ट एरर कॉइन। इसके ऊपर भी देखिए ये रेज देख रहे हैं आप, ये सब रेज हैं, सन रेज जैसे लगती हैं ये, तो इसे बोलते हैं सनबर्स्ट एरर कॉइन। बहुत ही प्यारा एल्युमिनियम का एरर कॉइन है और दोस्तों बहुत महंगे बिकते हैं, इनको आप जमा कीजिए। ये देखिए रिवर्स में भी और ओवर्स में भी, ओवर्स में ज्यादा है सनरेज। तो ये 20 पैसे का कॉइन है एल्युमिनियम का। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक वीक स्ट्राइक कॉइन। दोस्तों वीक स्ट्राइक होने की वजह से ये देखिए इसमें नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है, यहाँ नीचे वो गायब है, दिखाई नहीं दे रहा है और सत्यमेव जयते नहीं है। और इसके पीछे देखिए यहाँ पर डेट नहीं है और मिंट मार्क भी नहीं है और डेट भी नहीं है, और यहाँ पे 5 के नीचे रुपीज लिखा होता है वो भी नहीं है। तो ये वीक स्ट्राइक कॉइन है और बिल्कुल प्लेन है, यहाँ से नो डेट एरर कॉइन भी कह सकते हैं इसे। तो ये 5 रुपीज का है। आइए आगे बढ़ते हैं, डाई रोटेशन एरर कॉइन। दोस्तों ये क्रॉस कॉइन है 2 रुपीज का, और ये देखिए डाई रोटेशन है इसमें 2 o'clock का। और ये देखिए अगर हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये डाई रोटेशन 2 o'clock का, 2 रुपीज का, 2005 का डाई रोटेशन एरर कॉइन है। आइए आगे बढ़ते हैं, ड्राई क्रैक एरर कॉइन। दोस्तों ये देखिए ये पूरी की पूरी लाइन जो है बीच में, लाइन के ऊपर बिल्कुल बीच के में जब डाई ब्रेक हो जाती है तो ये एरर आ जाता है। ये देखिए पूरी की पूरी ऊपर से लेकर नीचे से लाइन, बहुत प्यारा एरर होता है और बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है डाई क्रैक एरर कॉइन। 1996 कैलकाटा मिंट के 5 रुपीज के ऊपर। तो ये भी बहुत प्यारा एरर कॉइन है। आइए आगे बढ़ते हैं, कर्ड एरर कॉइन। ये देखिए यहाँ के जो है ये आपको यहाँ पर कर्ड दिखाई दे रहा है, ये कर्ड एरर है क्योंकि डाई ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है, तो ये कर्ड एरर कॉइन कहलाता है। 2002 नोएडा मिंट का 5 रुपीज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको हमारा कलेक्शन पसंद आ रहा होगा। पहले हम एरर कॉइन से दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए स्ट्रेट क्लिप एरर कॉइन, स्ट्रेट क्लिप एरर कॉइन 5 रुपीज के ऊपर। बैक साइड से भी देखिए, और ये स्ट्रेट क्लिप एरर कॉइन। दोस्तों ये है लेमिनेशन एरर कॉइन।
देखिए ये लेमिनेशन एरर कॉइन है, और ओवर्स में भी और रिवर्स में भी, ये देखिए क्योंकि इसमें गैसेस भर जाती हैं तो ये लेमिनेशन फट जाता है, तो इसे कहते हैं लेमिनेशन एरर कॉइन। देखिए ओवर साइड से भी देखिए, ये देखिए ये लेमिनेशन एरर कॉइन कहलाता है, और 1 रुपी के ऊपर है ये। आइए दूसरा एरर कॉइन दिखाते हैं आपको, डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन। ये देखिए स्ट्राइक के दौरान डाई शिफ्ट हो गई है, तो ये डाई शिफ्टिंग एरर कॉइन हो गया 2 रुपीज़ के ऊपर। 1992 कैलकाटा मिंट का है 2 रुपीज़। ये भी बहुत खूबसूरत कॉइन है। और दोस्तों आइए 5 पैसे के ऊपर घोस्ट एरर कॉइन दिखाते हैं। दोस्तों ये 5 जो है, इसमें आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ये जो लॉइन है पीछे का, ये जो ओवर्स का लॉइन है, इसकी जो इमेज है ये देखिए, लॉइन की इमेज नजर आ रही है, तो ये घोस्ट एरर कॉइन कहलाता है 5 पैसे के ऊपर। दोस्तों एक बार फिर से आपको 5 रुपी के ऊपर दिखाते हैं वीक स्ट्राइक कॉइन। यहाँ पे देखिए सत्य में जयते नहीं लिखा है, और इंडिया भी यहाँ पर नहीं लिखा है ओवर साइड में। तो ये देखिए अब आपको रिवर्स में दिखाते हैं, नो डेट, डेट भी नहीं है, रुपीज भी नहीं लिखा है, मिंट मार्क भी नहीं है, और इसे वीक स्ट्राइक होने की वजह से ये छपा नहीं है दोस्तों। तो ये भी बहुत प्यारा एरर कॉइन है 5 रुपीज का। और आइए आपको दिखाते हैं 5 पैसे कॉइन का एल्यूमिनियम कॉइन है दोस्तों। इसके ऊपर आप ये देख रहे हैं एक्स्ट्रा मेटल ऑन द एज, ये देखिए ये एक्स्ट्रा मेटल रखा हुआ है, ये देखिए एक्स्ट्रा मेटल ऑन द एज। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत प्यारा एरर है। तो दोस्तों आइए दिखाते हैं 1 रुपी डब्बू कॉइन के ऊपर रेनबो टोन एरर कॉइन। देखिए कितना खूबसूरत एरर कॉइन है, और ये रेनबो टोन है, और ये ओवर्स और रिवर्स दोनों तरफ से, ये देखिए बहुत खूबसूरत कॉइन है, रेनबो टोन एरर कॉइन कहलाता है ये। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको 5 पैसे ऑफ सेंटर एरर कॉइन दिखाते हैं। ये देखिए 5 रुपी, ये देखिए 5 पैसे, ये देखिए ऑफ सेंटर, इधर से ये बढ़ा हुआ है और इधर से डाई जो है खिसक गई है, तो ये ऑफ सेंटर एरर कॉइन है 5 पैसे एल्युमिनियम कॉइन। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत एलॉय एरर कॉइन। ये देखिए एलॉय एरर कॉइन है ये 1 रुपी कॉइन है डब्बू कॉइन, और ये 2 रुपी कॉइन है दोस्तों। क्योंकि एलॉय जब मिक्सिंग होती है प्लैंचेट बनने के लिए, उसमें गलती से कमियां ज्यादा एलॉयज या मेटल्स मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये दोस्तों ये बन जाता है, कॉइन्स ब्लैक हो जाते हैं या कलर चेंज कर देते हैं। देखिए कितने प्यारे कॉइन्स लग रहे हैं, ये देखिए ये 2 रुपीज, और ये तो ये कहलाता है एलॉय एरर कॉइन, क्योंकि एलॉय जो है सही मात्रा में नहीं मिलाए गए, इसलिए ये एलॉय एरर कॉइन कहलाते हैं। तो ये भी 150 में आपको पूरा का पूरा सेट मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं लेमिनेशन एरर कॉइन। ये देखिए ये आप ये देख रहे हैं क्रैक्स आई हुई हैं लेमिनेशन, एक ये इधर भी आई हुई है और ये इधर भी आई हुई है, ये लेमिनेशन क्रैक हो जाती है क्योंकि इसमें जो है ना गैस भर जाती है, तो उससे लेमिनेशन फट जाता है, तो इसे कहते हैं लेमिनेशन एरर कॉइन। ये देखिए ये 2 रुपीज़ के ऊपर बहुत प्यारा 1998 हैदराबाद के मिंट के ऊपर लेमिनेशन एरर कॉइन, ये देखिए दोनों तरफ से। आइए दोस्तों आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको विक्टोरिया क्वीन का ये 1/4 आना है, और इसमें जो दोस्तों एरर है वो है डाई क्रैक्स। ये देखिए ये क्रैक्स आई हुई हैं इसमें पूरे के पूरे, हाँ ये देखिए नीचे भी ये क्रैक्स आई हुई हैं, और ये डाई क्रैक एरर बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है विक्टोरिया क्वीन का ये कॉइन है 1/4 आना। और ये देखिए वीक स्ट्राइक भी है ये, क्योंकि इसमें ये देखिए
कुछ भी छपा हुआ इधर विक्टोरिया क्वीन लिखा ना होना चाहिए था, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो इसके ऊपर छपा नहीं है। तो ये डाई क्रैक्स एरर कॉइन प्लस वीक स्ट्राइक कॉइन, ये देखिए पीछे भी इसके क्रैक्स हैं, देखिए। तो दोस्तों ये देखिए डाई क्रैक्स पीछे भी हैं इसके, ये सब डाई क्रैक्स हैं, और ये एरर बहुत ही मुश्किल से देखने को मिलता है, और इतने पुराने कॉइन में, ब्रिटिश इंडिया कॉइन्स में, ये देखिए डाई क्रैक्स हैं। और एक बार फ्रंट से देखिए, ये देखिए डाई क्रैक्स, और वीक स्ट्राइक कॉइन। तो ये 1/4 आना का बहुत प्यारा कॉइन है। आइए आपको नेक्स्ट कॉइन दिखाते हैं, स्टक थ्रू एरर कॉइन। दोस्तों ये भी एक विक्टोरिया एम्प्रेस का कॉइन है, और इस पे दो एरर हैं, एक तो स्टक थ्रू एरर कॉइन और एक वीक स्ट्राइक कॉइन। वीक स्ट्राइक तो इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर ये स्ट्राइक नहीं हुआ, विक्टोरिया एम्प्रेस यहाँ लिखा होता है, वो स्ट्राइक नहीं हुआ, और ये भी हल्का पोर्ट्रेट दिखाई दे रहा है आपको। और इसमें स्टक थ्रू एरर इसलिए है क्योंकि इसमें दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये लाइंस आ रही हैं जगह जगह पर, ये देखिए ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं, और ये पीछे भी इसी तरह से हैं ये निशान। तो दोस्तों ये जो है स्ट्रक थ्रू एरर कॉइन है, क्योंकि जब कॉइन स्ट्राइक हो रहा था तो डाई के बीच में और प्लानशीट के बीच में कुछ वायर टाइप का कुछ आ गया, तो वो इसके ऊपर इंप्रेशन इसके ऊपर सिक्के के ऊपर आ गया। तो ये देखिए ऐसे ऐसे लंबे लंबे ये सब, तो ये देखिए ये सब वायर के निशान हैं। तो ये इसलिए स्ट्रक थ्रू एरर कॉइन हुआ और वीक स्ट्राइक कॉइन हुआ। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 1/4 आना ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसमें एरर जो है दोस्तों, ये वाला कॉइन जो है ये कॉमन है 1/4 आना, क्योंकि ये सही, इसकी जो चौड़ाई है ये सही है, लेकिन ये प्लान शीट जो है बहुत पतला है, थिन प्लान शीट एरर है ये। तो ये देखिए ये पतला है और ये मोटा, और इसका वजन भी बहुत कम है, तो ये लो वेट एरर कॉइन भी हुआ। इसका वजन 5.200 ग्राम्स है सिर्फ, जबकि 6.5 ग्राम का लगभग होता है। तो ये दोस्तों थिन प्लैंचेट एरर कॉइन हुआ और लो वेट एरर कॉइन हुआ 1/4 आना ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो दोस्तों एरर कॉइन्स लास्ट दिखाने जा रहे हैं आपको, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉइन्स दिखाएंगे। तो ये देखिए ब्लैक ब्यूटी कॉइन्स। दोस्तों एक पार्शियल ब्लैक ब्यूटी कॉइन्स होता है, एक हाफ ब्लैक ब्यूटी कॉइन्स और एक फुल ब्लैक ब्यूटी कॉइन्स। दोस्तों ये फुल ब्लैक ब्यूटी कॉइन्स हैं दोनों, देखिए पूरी तरह से ब्लैक हैं दोनों, और ये भी 150 ईच में आपको मिलेगा। बहुत मुश्किल से फुल ब्लैक ब्यूटी बहुत मुश्किल से मिलते हैं, हाफ ब्लैक ब्यूटी और पार्शियल ब्लैक ब्यूटी तो आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन ये फुल ब्लैक ब्यूटी बहुत मुश्किल से मिलते हैं 150 ईच के हिसाब से, प्लस 50 रुपीज कोरियर के चार्जेस जितने भी आप कॉइन्स मंगाएंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं इसमें रीडेड एज कॉइन। ये देखिए इसका एज जो है, ये देखिए लाइनें बनी हुई हैं, ये रीडेड एज कहलाता है, और ये देखिए रीडेड एज कॉइन है ये। आइए एक और आपको कॉइन दिखाते हैं, ये प्लेन एज है, इसमें ये सारा का सारा प्लेन है, और ये इसकी एज जो है प्लेन है। तो ये प्लेन एज आपको पता है कि 5 रुपीज के जो कॉइन है उसमें सब में सिक्योरिटी एज होता है, लेकिन इसमें रीडेड एज है और ये प्लेन एज है। तो ये भी बहुत प्यारे कॉइन हैं, 150 ईच सेल समझ लीजिए, जो भी आप पसंद करेंगे हमें उसकी डिटेल लिख के भेजिएगा। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं एक म्यूल कॉइन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का 1 रुपी कॉइन के ऊपर म्यूल कॉइन है, और ये म्यूल कॉइन इसलिए है क्योंकि किसी दूसरे कॉइन की डाई इस्तेमाल हो गई है,
तो इसलिए ये कॉइन म्यूल कॉइन बन गया है दोस्तों। तो ये लॉइन आप देख रहे हैं, ये छोटा लॉइन, ये नॉर्मल कॉमन लॉइन होता है, लेकिन ये किसी दूसरे कॉइन की डाई इस्तेमाल हो गई है, तो ये म्यूल बन गया है। तो दोस्तों ये म्यूल कॉइन भी आपको 150 में मिलेगा। ये देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कॉमन कॉइन, और ये कॉमन कॉइन है और ये म्यूल कॉइन है, इसका सेट है पूरा 150 में। दोस्तों अब आपको बहुत प्यारी प्यारी डाई वैरायटीज दिखाएंगे, उसमें लॉइन डाई वैरायटीज होंगी और एज डाई वैरायटीज और तरह तरह की अलग तरह की डाई वैरायटीज होती हैं। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं 20 पैसे कॉइन 1970 हैदराबाद में, फैट एंड लॉन्ग लॉइन। ये देखिए फैट एंड लॉन्ग लॉइन है और ये थिन एंड शॉर्ट लॉइन, और ये पतला और छोटा लॉइन है। तो दो तरह के लॉइन हैं, ये लॉइन डाई वैरायटी है। इसका जो रिम है ये थिन रिम है, पतला है, और इसका जो रिम है वो ब्रॉड रिम है, थिक रिम है, यानी कि चौड़ा है। तो दोस्तों ये हो गई डाई वैरायटीज, 20 पैसे कॉइन में डाई वैरायटीज। ये देखिए 20 पैसे कॉइन में डाई वैरायटीज। आइए आगे बढ़ते हैं, 1 रुपी 1977 बॉम्बे में लॉइन डाई वैरायटी दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये 1 रुपी बिग डब्बू कॉइन है, और इसके ऊपर आप चेस्ट के ऊपर देखिए, ये फर जो है कंप्लीट फर है, यानी कि पूरे फर बने हुए हैं। लेकिन ये जो रेयर कॉइन है ये फेडेड है, यानी कि इसका ये गायब हो गए हैं इसके चेस्ट के ऊपर से फर। तो ये वाला कीमती होता है और ये कॉमन होता है। तो ये लॉइन डाई वैरायटी हो गई दोस्तों 1 रुपी में 1977 बॉम्बे मिंट में। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं 2 रुपी कॉइन में लॉइन डाई वैरायटी 2000 कलकत्ता मिंट में। ये देखिए ये टाइप ए लॉइन डाई वैरायटी है, बड़ा लॉइन है ये देखिए, और ये टाइप सी लॉइन डाई वैरायटी है, पतला लॉइन है। तो दोस्तों टाइप ए और टाइप सी 2000 कलकत्ता 2 रुपीज में, जो भी आप सेट लेंगे 150 रुपये में, यानी कि 150 में आपको मिलेगा। आइए आगे बढ़ते हैं, 2003 कलकत्ता में लॉइन डाई वैरायटी 2 रुपीज में, 2003 में। ये देखिए टाइप ए लॉइन डाई वैरायटी, और ये देखिए टाइप सी लॉइन डाई वैरायटी, दोनों अलग अलग तरह की लॉइन डाई वैरायटीज हैं। तो दोस्तों ये हो गया लॉइन डाई वैरायटी कॉइन्स। आइए अब आपको दिखाते हैं डाई वैरायटी दिखाते हैं, डेट डाई वैरायटी है। डेट डाई वैरायटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो है ना, एक कॉइन के ऊपर जो डेट है वो बिग है, बड़ी 2001 जो है आप देख रहे हैं बिग डेट है, और इसमें देख रहे हैं स्मॉल डेट है 5 रुपीज के ऊपर। और साथ में ये देखिए इसमें ये जो 5 बना हुआ है ये बिग 5 है और ये स्मॉल 5 है, तो ये डाई वैरायटीज कहलाती हैं 5 रुपीज में। तो दोस्तों ये भी लोग कलेक्ट करते हैं डाई वैरायटीज, इसको कहते हैं डेट डाई वैरायटी। आइए आगे बढ़ते हैं, अब आपको दिखाते हैं 1 रुपी के ऊपर लॉइन डाई वैरायटी 1 रुपी के ऊपर। ये देखिए 1988 बॉम्बे मिंट के ऊपर, ये देखिए थिन एंड लॉन्ग लॉइन, ये पतला और लंबा लॉइन है। ये देखिए फैट एंड शॉर्ट लॉइन, देखिए इनके चेहरे को देखिए, दोनों अलग अलग तरीके। ये देखिए पतला लॉइन है और ये नेक्स्ट वाला लॉइन है, ये इसका अलग अलग तरह का लॉइन है ये, और इसके ऊपर फर है और इसकी चेस्ट प्लेन है। ये थिन एंड लॉन्ग है और ये फैट एंड शॉर्ट है। तो इसकी जो लॉइन चेस्ट है वो री स्टाइल्ड, यानी कि री एनग्रेव्ड हुई हुई है 1988 बॉम्बे मिंट में। 1988 बॉम्बे के दोनों कॉइन हैं लेकिन दोनों में फर्क है। तो ये लॉइन डाई वैरायटी 1 रुपी के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 1995 हैदराबाद मिंट में लॉइन डाई वैरायटी देखिए, टाइप ए लॉइन और टाइप बी लॉइन। ये देखिए इसमें जो लाइंस हैं आपको इधर साइड में 5 लाइंस हैं, और इधर जो लाइंस हैं वो 4 लाइंस हैं इसमें। ये मैंने आपको पहले वीडियो में समझाया था टाइप ए लॉइन और टाइप बी लॉइन, आप पहले वीडियो भी देख सकते हैं। तो 1995 में ये दो तरह के लॉइन हो गए लॉइन डाई वैरायटी 2 रुपीज में। दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं ये देखिए 1/4 आना एडवर्ड 7th में। दोस्तों ये जो है 1/4 आना है,
और पोर्ट्रेट डाई वैरायटी है, ये जो पोर्ट्रेट बना हुआ है एडवर्ड सेविन का, ये बड़ा है, और ये जो पोर्ट्रेट एडवर्ड सेविन का बना हुआ है ये छोटा है। दोस्तों 1907 के दोनों कॉइन हैं, लेकिन जो ये पोर्ट्रेट बने हुए हैं बड़े और छोटे हैं, तो ये बिग पोर्ट्रेट और स्मॉल पोर्ट्रेट, ये एक तरह की डाई वैरायटी हो गई दोस्तों वन क्वार्टर आना में। आइए आपको नेक्स्ट दिखाते हैं 10 पैसा कॉपर निकल कॉइन में, 1957 कैलकाटा मिंट का ये कॉइन है। ये देखिए डाई वैरायटीज हैं इसमें, कई डाई वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी इन दोनों कॉइन्स में, एक ही डेट के दोनों कॉइन हैं। ये देखिए स्मॉल लॉइन है और ये बिग लॉइन है, ये छोटा और ये बड़ा। और इसकी जो डेंटिकल्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लंबी लंबी, ये बिग एंड थिन डेंटिकल्स, बड़ी लंबी और पतली डेंटिकल्स हैं। और दोस्तों इसमें स्मॉल एंड ब्रॉड डेंटिकल्स, इसमें छोटी और चौड़ी डेंटिकल्स हैं, ये जो लंबी लंबी आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें एक फर्क और है, इसका जो रिम है वो थिन रिम है, पतला रिम है चारों तरफ, और इसका जो रिम है वो ब्रॉड रिम है, तो एक फर्क ये हो गया। तो ये सब डाई वेराइटीज हैं दोस्तों, जो कि डिस्टिंग्विश करती हैं एक डाई वेराइटी को दूसरी डाई वेराइटी से। तो दोस्तों यही चीज एक कॉइन कलेक्टर इकट्ठा करता है कि कॉइन जो है वो एक ही ईयर का है, एक ही साल का है, और एक ही मिंट में हुआ है, लेकिन दोनों डाइज में फर्क है, इसलिए इसे कहते हैं डाई वेराइटीज। तो 10 पैसे में आपको डाई वैरायटी देखने को मिली। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं हाफ रूपी कॉइन, इसमें डेढ़ डाई वैरायटी है और मिंट मार्क डाई वैरायटी है। ये देखिए दोस्तों ये हाफ रूपी है जॉर्ज सिक्स का, और इसमें डेढ़ डाई वैरायटी मिली देखने को मिलेगी आपको और मिंट मार्क। यहां पर आप देख रहे हैं डेट जो है छोटी है, और यहां पर डेट जो है वो बड़ी है। यहाँ पर मिंट मार्क वैरायटी जो है ये है, मिंट मार्क छोटा है स्मॉल मिंट मार्क, और यहाँ पर बिग मिंट मार्क। तो दोस्तों ये हो गया दोस्तों डेट डाई वैरायटी और मिंट मार्क डाई वैरायटी। दोस्तों इसमें एक फर्क और है, इसमें स्मॉल लॉइन है और इसमें बिग लॉइन है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये डाई वैरायटी आपको पसंद आई होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 10 पैसे कॉपर निकल कॉइन की तरफ चलते हैं, 10 पैसे 1966 कलकत्ता मिंट में, डाई वैरायटी है ये। इसमें कई वैरायटीज हैं देखने को मिलती हैं। सबसे पहले देखिए ये थिन लॉइन है, ये दोनों सिक्के एक ही ईयर के हैं 1966 के, और एक ही मिंट के हैं कलकत्ता के, ये भी और ये भी, लेकिन इसमें थिन लॉइन है और इसमें बिग लॉइन है। और इसका जो रिम है दोस्तों वो थिन है, पतला रिम है, और इसका जो रिम है चारों तरफ ये रिम देख रहे हैं, ये ब्रॉड रिम है। और इसकी जो डेंटिकल्स हैं दोस्तों ये डिस्टिंग्विश करती हैं एक अलग डाई वैरायटी की, ये थिन एंड लॉन्ग डेंटिकल्स, पतली और लंबी डेंटिकल्स हैं इसकी ये। लेकिन इस कॉइन में, ये 1966 का ये भी कॉइन है, कलकत्ता मिंट का है, लेकिन इसमें बिग एंड शॉर्ट डेंटिकल्स हैं, बड़ी मोटी मोटी और लंबाई में छोटी, यानी कि बिग एंड शॉर्ट, मोटी और लंबाई में छोटी डेंटिकल्स हैं ये। तो दोस्तों ये हो गया 10 पैसे में डाई वैरायटीज। आइए आगे बढ़ते हैं, 20 पैसा कॉइन में दिखाते हैं आपको, 1971 बॉम्बे मिंट का कॉइन है दोस्तों ये 20 पैसे का, और इसमें फैट लॉइन है आपको देखने को मिलेगा, और इसमें स्मॉल एंड शॉर्ट लॉइन, इसमें बिग एंड फैट लॉइन, बड़ा लॉइन और मोटा लॉइन, और इसमें स्मॉल एंड शॉर्ट लॉइन, इसमें छोटा लॉइन और थोड़ा पतला लॉइन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसकी एक इसमें वैरायटी ये भी आप देख सकते हैं कि इसकी चेस्ट देखिए, ये हाफ री एनग्रेव्ड है, यानी कि इसकी चेस्ट के ऊपर जो फर है वो कम है, लेकिन ये फुली री एनग्रेव चेस्ट है, इसकी चेस्ट के ऊपर पूरा फर है। तो एक फर्क ये है इसमें,
तो ये ढाई वेराइटीज हो गई दोस्तों 20 पैसे में। आइए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपी बिटकॉइन में 1979 बॉम्बे मिंट का लॉयन डाई वैरायटी। इसमें बिग एंड ब्रॉड लॉयन है, यानी कि चौड़ा और लंबा, बड़ा भी है और चौड़ा भी लॉयन है, लेकिन दोस्तों इसमें पतला और छोटा लॉयन है। ये वाला लॉयन जो है रेयर है, बहुत कमी से देखने को मिलता है, और ये वाला लॉयन कॉमन है। ये बिग डेंटिकल्स हैं इसकी, इसकी जो डेंटिकल्स हैं वो बिग हैं, और इसमें डेंटिकल्स जो हैं वो स्मॉल हैं। एक ये भी इसके अंदर वैरायटी देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये कॉइन हुआ 1979 बॉम्बे मिंट के डाई वैरायटी। आगे बढ़ते हैं। 2 रुपीज़ बिग कॉइन में आपको दिखाते हैं डाई वैरायटीज़। इन दोनों कॉइन्स में कौन सी हैं? 1990 कैलकाटा मिंट के दोनों कॉइन हैं। इसमें लॉयन जो है देख रहे हैं आप, ये लॉयन बिग है, बड़ा लॉयन है, और इसमें आप देख रहे हैं ये छोटा लॉयन है। और इसका रिम देखिए, इसका रिम जो है वो ब्रॉड है, चौड़ा रिम है, और इसका रिम जो है थिन रिम है, पतला रिम है। तो दोस्तों ये 2 रुपीज़ का डाई वेराइटीज हो गई इसमें दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर से 2 रुपीज़ का कॉइन दिखाते हैं। 9th एशियन गेम्स का ये 2 रुपीज़ का कॉइन है, ये देखिए 9th एशियन गेम्स का 2 रुपीज़ कॉइन है, और इसमें भी डाई वेराइटीज देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों इसमें जो ये लॉयन है आपको अलग ही पता चल रहा होगा, ये बिग लॉयन है, ये वेराइटी अलग है, और ये डाई वेराइटी अलग है। इसमें छोटा लॉयन है, स्मॉल लॉयन, बिग लॉयन एंड स्मॉल लॉयन। इसमें रिम जो है देखिए कितना चौड़ा है, इसका जो रिम है ये ब्रॉड रिम है, और इसका रिम जो है ये पतला है। तो एक डाई वेराइटी ये हो गई दोस्तों। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। 1 रुपी बिग कॉइन में, डब्बू कॉइन में 1976 बॉम्बे मिंट का ये सेट है, और इसमें लॉयन डाई वेराइटीज हैं दोस्तों। ये थिन एंड स्मॉल लॉयन है, देखिए पतला और छोटा लॉयन, फैट एंड बिग लॉयन, मोटा और बड़ा लॉयन। तो ये हो गया दोस्तों 1976 में बॉम्बे मिंट में 1 रुपी बिग कॉइन में दो तरह के लॉयन आपको देखने को मिले। आइए अब आपको 1 रुपी जो 6 ग्राम का कॉइन होता है, 6 ग्राम्स में लॉयन वैरायटीज दिखाते हैं आपको। ये फैट एंड शॉर्ट लॉयन है, देखिए ये मोटा और हाइट में छोटा लॉयन है, लेकिन ये पतला और लंबा लॉयन है। तो दोस्तों ये लॉयन डाई वैरायटी देखने को मिलती है 1987 में बॉम्बे मिंट में। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। लॉयन डाई वैरायटी हमने आपको इतनी सारी दिखाई, जो भी आपको पसंद हो आप हमारे से मंगा सकते हैं। अब हम आपको लास्ट में दिखाने जा रहे हैं फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन। तो फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन्स भी आपको 150 का एक पूरा पेयर मिलेगा। ये दोस्तों फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन और लॉयन डाई वैरायटी कॉइन, ये सब दोस्तों बहुत महंगे महंगे बिक रहे हैं इस टाइम। 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, इतने पैसे में ये बिकते हैं। अलग अलग साइट्स पर अलग अलग प्राइस होते हैं, लेकिन दोस्तों ये हमारी सेल है, तो सेल ऑफर है, इसकी वजह से हमने सभी कॉइन्स का, चाहे वो 1,000 रुपये का कॉइन है, चाहे 500 का है, चाहे 1,500 का है, सबका एक ही प्राइस रखा है, सेल प्राइस 150 रुपये, यानी कि 150 ईच। तो आइए लास्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन 2 रुपीज, 1997 सियोल का 2 रुपीज का कॉइन है। एक कॉइन में आपको मैं इसका बता देता हूं कि फर्स्ट स्ट्राइक की पहचान क्या होती है। फर्स्ट स्ट्राइक की पहचान ये होती है कि ये जो इसके एजेस हैं ये बड़े होते हैं, और रिम भी चौड़ा होता है, और जो कॉमन कॉइन होता है इसके एजेस थोड़े छोटे होते हैं और रिम भी पतला होता है। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है 1997 सियोल मिंट का। दूसरा फर्स्ट स्ट्राइक का कॉइन है 1995 नोएडा मिंट का, ये देखिए बिग एजिस, ये रेयर कॉइन है फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, और ये स्मॉल एजिस। इसी तरह 2001 नोएडा मिंट का ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है, एक कॉमन है और एक फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है। इसी तरह 2000 नोएडा फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, इसी तरह 2002 बॉम्बे मिंट का फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, और इसी तरह 1999
1999 नोएडा मिंट में फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, और 1994 में बॉम्बे मिंट में फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन, और 1992 कैलकाटा मिंट में फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन। दोस्तों ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन भी बहुत कीमती होते हैं और कॉइन कलेक्टर्स इनको इकट्ठे करते हैं और जमा करते हैं, और आगे चलकर ये सभी कॉइन्स जो हैं आपको बहुत फ़ायदा करेंगे। ये आपका एक अपॉर्चुनिटी है, एक गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अपने कलेक्शन में ये सब इतने प्यारे प्यारे तरह तरह के 80 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल कॉइन्स आपको अपने कॉइन्स कलेक्शन में जमा करने के लिए, और वो भी बहुत ही कम पैसों में। तो दोस्तों आप जो भी कॉइन मंगाएं, एक मंगाएं, दो मंगाएं, दस मंगाएं, बीस मंगाएं, तो उसमें 50 रुपीज़ अलग से आपको देने होंगे कोरियर के, और हर कॉइन 150 का आपको, यानी कि ये सेट पूरा का पूरा सेट 150 का, और ये सिंगल कॉइन जो हैं ये भी 150 के। तो जो भी आप मंगाना चाहें मंगा सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेके भी भेज सकते हैं या भी डिटेल लिख के भी भेज सकते हैं। जो भी कॉइन आपको पसंद आया हो उसकी डिटेल लिख दें या स्क्रीनशॉट लेकर हमारे व्हाट्सएप पर भेज दें। हमारा व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों जल्दी करें, कहीं ऐसा ना हो कि कॉइन्स जो हैं ये सेल वाले कॉइन्स इतने कम दामों में छट जाएं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अगर आपको लगा हो कि नॉलेज भी बढ़ी है और अच्छी वीडियो है तो लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और कॉइन्स मंगाने हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे। ओके दोस्तों।